Bismillahir Rahmanir Rahim. The topic of discussion for today's lecture is edible freshwater fishes as well as fish industry in Pakistan. और या आप अगर कंटेंट्स देखें आपके तो इसमें ये फिश इंडस्ट्री प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस एंड एडिबल फ्रेश वाटर फिशेस ये टॉपिक्स गिवन है आपके कोर्स कंटेंट्स के हवाले से. यू नो फिशेस एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ये जो फिशरीज है थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर इन्वॉल्व्ड इन दिस ऑक्यूपेशन इन दिस प्रोफेशन और एक बड़ी मिकदार में फिशेज को कैच करना उनकी कैचिंग एज वेल एज ब्रीडिंग ये सारी की सारी फिश फार्मिंग या एक्वा कल्चर एंड फार्मिंग कहलाती है. और पाकिस्तान की फिश इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो जीडीपी में इसका जो रोल है ऑलमोस्ट 0.9% है. पाकिस्तान अर्न्स 6% ऑफ इट्स टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बाय एक्सपोर्टिंग फिशेस एंड सम मैरीन ऑर्गेनिज्म सच एज श्रिम्प्स एज वेल एज अदर फिश प्रोडक्ट्स. फिश मीट पर्पस के लिए तो यूज हो ही रही होती है लेकिन इसके अलावा जो फिश वेस्ट है इट इज ऑल्सो यूज टू मेक फर्टिलाइजर एज वेल एज पोल्ट्री फीड. फिश का जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है दैट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी और वाइट मीट के लिए प्रॉपर फूड सप्लाई में एक मेन रोल है इसका. पाकिस्तान में जो कॉमन फिशेज हैं जिनके बारे में हम डिटेल से आगे भी अभी डिस्कस करेंगे इसमें ये लेबी रोहिटा या रहू केटला केटला जिसे थैला फिश बोला जाता है और सिरिहेनेस मेरगेला या मेरिगल जिसको बोला जाता है. अगर लेबी रोहिटा या रहू की बात की जाए तो ये कॉमनली पाकिस्तान इंडिया नेपाल बांग्लादेश बर्मा थाईलैंड चाइना श्रीलंका इन कंट्रीज में कॉमन है जबकि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में बॉडी इज डीप एंड डॉर्सल प्रोफाइल इज मोर कनकेव. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एंड स्नाउट इज ऑब्ट्यूस ये स्नाउट है इसकी एंड कंप्रेस्ड प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द जॉज जबकि जो केटला केटला है इट पोजेसेस इलोंगेटेड बॉडी. ये केटला केटला की विच इसको हम डिटेल से भी नेक्स्ट देखते हैं. कर्व्ड ऑन द वेंट्रल एज वेल एज डॉर्सल सर्फिस देयर इज पेयर ऑफ स्मॉल बार्बल्स ऑन द अपर जॉ. यहाँ पे इसके बार्बल्स या कुछ विस्कर्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जबकि मेरगेला की अगर बात की जाए सिरिहेनेस मेरगेला मेरगेल की तो एक बेसिकली लार्ज फिश है बॉडीज की मॉडरेटली कंप्रेस्ड होती है विद विड्थ ऑफ हेड इक्वल टू लेंथ ऑफ लेंथ बिहाइंड द आईज व्हिच इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द हेड. और इसी तरह सिल्वर कार्प ग्रास कार्प और रेनबो ट्राउट ये कुछ कॉमन फिशेज हैं जिनको यहाँ पे ब्रीडिंग पर्पजेज के लिए यूज किया जाता है. इनमें से कुछ फिशेज की हम डिटेल आगे देख रहे हैं जैसे केटला केटला है दिस फिशी हैज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ अमंग द इंडियन मेजर कार्प्स. कार्प फैमिली से इसका ताल्लुक है और ये लार्ज पिक्चर में लार्ज व्यू में इसको आप देख भी सकते हैं. इसके जो हैचलिंग्स है केटला के स्टॉक पॉन्ड में एट द रेट ऑफ 10 लाख टू 125 लाख पर हेक्टर 12,50,000 पर हेक्टर ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 20-25 मिलीमीटर इन 15 डेज. और केटला अटेन्स मैच्योरिटी व्हेन अबाउट 2 इयर्स ओल्ड. 5 केजी की जो फीमेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एग्स है वो 40 लाख तक ओवा जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं व्हिच गिव द फेकंडिटी टू बी 80 एग्स पर ग्राम बॉडी वेट. इसके अलावा लेबी रोहिटा है ये भी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली फिश है और अपने डिलीशियस टेस्ट के लिए यहाँ पे कॉमनली जानी जाती है. ये यूजुअली एक साल में मैच्योर होती है एंड द हैचिंग ऑफ रहू स्टॉक रेट ऑफ इनका जो है वो 10 लाख से 12,50,000 तक है टू अ लेंथ ऑफ 25-30 मिलीमीटर इन 15 डेज एंड द सर्वाइवल रेट इज 50%. एवरेज जो इसका एग है 1258 ग्राम पर बॉडी वेट and the weight of rahu is 33-45 cm yani ke iska size hai aur 90 gram in 1 year 2-3 kg in second year and 5-6 kg ho sakti hai in the third year. iske alawa labiu calabasu hai isme bhi widely distributed carp and grows to the fairly largest size but its rate of growth is
slower than that of Ketla and Rahu. फिर इसके अलावा Sirhenes mergella, इसको आप देख सकते हैं. This species is widely cultured in India along with other calves, and it grows fast and fry इसके जो finger length या younger stages है. When stocked at 10 lakh to 12.5 lakh hectare per hectare, grow to 25 to 30 millimeter length in 15 days. इनकी दोनों सेक्सेस जो है मैच्योर होती हैं अबाउट 2 इयर्स में, एंड फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग दे आर मैच्योर इन 1 ईयर. फिर Cyprinus carpio, द कॉमन कार्प, इज वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड 3 वैरायटीज ऑफ फिश दे आर नाउ. दे बिकम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस. Velago atto, ये भी एक कॉमनली एडिबल फिश है. Velago atto इज अ स्पीशी ऑफ कैट फिश इन द फैमिली Celeridae, और लोकली इसको पेरिन या कॉमनली कॉल्ड Velago भी इसको बोला जाता है. इट कैन रीच मैक्सिमम लेंथ ऑफ 2.4 मीटर या 8 फीट इन टोटल लेंथ. Velago atto इज साउथ एशियन फिश, इज फाउंड फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया. इट इज नॉट गुड फॉर कल्चर बिकॉज दे कंज्यूम मोर टाइम, दे टेक मोर टाइम टू गेट to their final size. It is mature in minimum 2 years for breeding. Iske alawa kuch anna species hain, ye bhi jo hai wo breeding inki bhi ki jati hai, inko bhi culture kiya jata hai hamare yahan. Fishing ki agar baat ki jaye, is the activity of trying to catch fish, and fish are normally caught in the wild. Technique for catching fish include hand gathering, spearing, netting, angling as well as trapping. और इंडस्ट्री इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक गुड और सर्विस विद इन एन इकोनॉमी. तो फिश इंडस्ट्री में हमारे पास ना सिर्फ ये फिशरीज बल्कि इसके अलावा इसकी जो कैचिंग का प्रोसेस है, चाहे वो वाइल्ड कंडीशन से है, वो भी आ जाएगा. ऑल द इंडस्ट्रीज कमिंग अंडर फिशरीज टर्म्ड एज अ फिशिंग इंडस्ट्रीज. इट स्टार्ट्स अप विद कैचिंग रॉ मटेरियल टिल इट्स फाइनल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग. कि ना सिर्फ फिशेज को रॉ फॉर्म में कैच करना बल्कि उसकी फाइनल प्रोसेसिंग वगैरह भी. It organized under private, corporate and cooperative sector. Different इसमें जो है organizations भी involved होती हैं, government की funding भी. At present, the fishing industry of the country includes the main industry of catching, processing की industry है, transportation है, distribution और marketing. और इसके साथ जो associated industries हैं, fishing vessel construction, engines जो चाहिए होते हैं fish farms वगैरह के लिए, फिशिंग गियर, फिशिंग वेसल कॉम्पोनेंट, रेफ्रिजरेटर्स, कोल्ड स्टोरेज, ये साथ जो है वो असेसरी या आपके लिए हेल्पिंग इंडस्ट्रीज भी काम कर रही होती हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगी. इंडस्ट्रीज इज कोऑपरेटिव प्लान ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड रेगुलेटर्स डिवाइडेड इन टू वेज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड बेस्ड ऑन द पर्पस. ये बेसिक पर्पस इसका फार्मिंग है या मीट की प्रोडक्शन है, इस पर डिपेंड करेगा. Here are three principal industry sectors: commercial sector, traditional or recreational. Main industry में अगर हम बात करें, directly connected to the industry involves the catching of raw material until reaching the consumer hand, generally fish catching और उसको फिर consumer तक पहुंचाना, and majorly controlled by private or government sector also. It involves capital investment from a few hundred to huge amount of capita. और ऑपरेशन मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम सिंपल टू इंटीग्रेटेड फिशिंग इंडस्ट्रीज. मेन इंडस्ट्रीज में तीन जो है वो मेजर फर्दर सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी में सिर्फ रॉ जो फिश है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, और रॉ मटेरियल जो है वो दो तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, कल्चर फिशरीज से और कैप्चर फिशरीज से. कल्चर फिशरीज ये है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर कि फिशिंग एंड फिश कल्चर आर पॉपुलर पार्ट्स ऑफ any tradition of the fisheries for many people. It mainly concentrated on freshwater, brackish, or mariculture. Species which are cultured include shell fishes, fin fishes, and mollusca. So, all the aquaculture species are mentioned here. Then, captured fishes are what is aquatic resources directly catching fishes. Culture करने के बजाय उनको पकड़ना, ये primary industry में raw material जो provide कर रही होती है industry उसमें शामिल है. कि natural resources अगर लिए जा रहे हैं तो captured fisheries, और अगर उसको आर्टिफिशियली कल्चर किया जा रहा है तो कल्चर फिशरीज. सेकेंडरी सेक्टर में फिर जो फिश की हैंडलिंग है, फिश प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो आ जाएगी. लाइक फिश मील, फिश ग्लू, कैंड फिश है, फ्रोजन फिश है, उसकी एक्सपोर्ट कैसे होनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होनी है. जबकि टर्शरी जो इंडस्ट्री है इस सेक्टर के अंदर, इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग.
इसमें प्रोसेसिंग है सेकेंडरी के अंदर जस्ट, और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है फर्दर प्रोसेस्ड फिश की, वो टर्शरी सेक्टर का काम है इस इंडस्ट्री में। और फिशिंग एरियाज एंड मेथड की बात की जाए तो मैरीन फिशिंग है, इनलैंड फिशिंग है, कमर्शियल और सब्सिस्टेंस फिशिंग। लाइक सब्सिस्टेंस फिशिंग क्या है? व्हेन द फिशरमैन एंड हिज फैमिली कंज्यूम द फिश दे कैच, सम फिशिंग कम्युनिटीज ऑन द कॉस्ट और जो किनारों पर रह रही होती है समंदर की, वो इस सब्सिस्टेंस फिशिंग पे डिपेंड कर रही होती है। एंड कमर्शियल फिशिंग, द फिश इज सोल्ड इन द मार्केट, और वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल पे जो है वो काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात किया जाए कमर्शियल फिशिंग के हवाले से, मेजर जो एरियाज हैं ओशन के साथ एसोसिएटेड वो कराची और गवादर है। इनलैंड फिशिंग क्या है? सम इनलैंड रिसोर्सेज इंक्लूड स्मॉल रिवर्स, डैम्स, लेक्स, बैराजेस, रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स, एंड फिश मे बी कंज्यूम्ड लोकली और एक्सपोर्टेड टू अदर ऑफन नेबरिंग कंट्रीज। और टाइप्स फिशिंग की, एक है डीप सी फिशिंग है, एक कोस्टल, एक मैरीकल्चर, एक एक्वाकल्चर। भाई डीप सी फिशिंग में क्या होगा? इट इज अ फॉर्म ऑफ एंगलिंग दैट रिक्वायर्स डीप वाटर्स एंड यूजुअली टेक्स प्लेस फर्दर अवे फ्रॉम द लैंड, यानी डेप्थ से फिश को कैच करना। मैरीकल्चर क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर इन्वॉल्विंग द कल्टीवेशन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करना सिर्फ। और एक्वा फार्मिंग में फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज फिश एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म, क्रस्टेशियंस हैं, मोलस्क्स हैं या इवन एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और इसमें सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों तरह की स्पीशीज आ जाएंगी। अगर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक लेवल या फिश मार्केट के हवाले से बात की जाए तो 30% ऑफ द टोटल फिश कैच इज एक्सपोर्टेड टू 30 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और जापान इज आवर मेन मार्केट विद यूएसए, फ्रांस एंड जर्मनी इसके जो फॉलोअर्स हैं जिनको हम फिश प्रोवाइड करते हैं। अबाउट 80% ऑफ द टोटल फिश कैच ऑफ मैक्रॉन कोस्ट इज ड्राइड फॉर एक्सपोर्ट टू द मिडल ईस्ट, एंड पाकिस्तान अर्न मोर देन 6% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। एक्सपेक्टेड जिसके जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज करना है, ग्रेट फिशरीज, ग्रेट फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी का यूज, फेवरेबल इंपैक्ट ऑन द एक्सचेंज रिटर्न, एक्सचेंज अर्निंग्स, एंड रिड्यूसेस बर्डन ऑन द क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक। प्रॉब्लम्स इसकी क्या है फिश इंडस्ट्री की? पोल्यूशन का सोर्स हो सकता है, ओवर फिशिंग पोल्यूशन जो है उसको डैमेज कर सकती है, जो वाटर पोल्यूशन है आइदर इन द फॉर्म ऑफ मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर, तो ये भी एक हमारे यहाँ नेचुरल जो रिजर्वायर्स हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर फिशिंग, ओवर हंटिंग से बहुत सी जगहों पे जो है आपके लिए फिशेस की तादाद ड्रामेटिकली रिड्यूस हुई है। मैंग्रूव्स, ये मैरीन जो एरियाज हैं स्पेशली कराची साइड पे हमारे पास जो मैंग्रूव्स के ट्रीज हैं वहाँ पे थ्रेट है उनको, उनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन। और फ्लड का जो इफेक्ट है ये भी फिश इंडस्ट्री के लिए एक मेजर प्रॉब्लम होती है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फिशेज, कॉमन फिशेज एज वेल एज फिश इंडस्ट्रीज। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक मेजर फिश है महाशीर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान, उसको भी जरूर इस पर कवर कीजिएगा आप।